अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली मैंने आज अमेज़ोन का कोर्स जो है यूट्यूब पर शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि हम एकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अमेज़ोन का कोर्स यूट्यूब पर शुरू कर दें। तो मैंने आज अमेज़ोन का कोर्स यूट्यूब पर शुरू कर दिया और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की वजह से अमेज़ोन का कोर्स जो है मैं फुल अपलोड कर लूँगा। अमेज़ोन का जो कोर्स यूट्यूब पर अपलोड किया होता है, बहुत से चैनल्स हैं वो होता है हायर लेवल से, लेकिन मैं बेसिक से जो अमेज़ोन के जो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल अमेज़ोन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए मैं ये कोर्स लेकर आया हूँ, जो कि बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक अमेज़ोन के बारे में जो कुछ भी हुआ मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमारा यूट्यूब का चैनल है अमेज़ोन लर्निंग सेंटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम ई कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स जो है वो होता है, ई को आप हटा लें, और कॉमर्स जो होता है वो बाइंग एंड सेलिंग मेथड को कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को बाई करते हैं और फिर आप आगे उसको सेल करते हैं, या किसी होलसेलर से आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, लेकिन जो फिज़िकली जो डेली रूटीन में आप करते हैं, जब डेली रूटीन में आप कोई काम कोई चीज़ लेते हैं या बेचते हैं, तो इसको कहते हैं कॉमर्स। लेकिन जब इंटरनेट के ज़रिए करते हैं तो फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया। जब आप विदाउट इंटरनेट करते हैं, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के करते हैं, तो आपका कॉमर्स हो गया। लेकिन जब आप एक इंटरनेट को यूज़ करते हैं, लैपटॉप को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो ये आपका हो गया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरीली द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, आप उसको यूज़ करते हुए जब कोई चीज़ आप बाय और सेल करते हैं, तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट भी इलेक्ट्रॉनिक है, लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ करते हुए जब आप कोई चीज़ बाय और सेल करते हैं, तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की जो स्टोर्स है, लाइक वेबसाइट्स है, वो है अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, मिंत्रा, ई बे, क्विक, ओएलएक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ये जो है, ये सब जो है ना, ये ई कॉमर्स के एग्जांपल्स है, वेबसाइट्स है। फिर आता है हमारा टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो है दो टाइप्स, तीन टाइप्स है यहाँ डिस्कस। इस तरह टाइप्स तो बहुत है, लेकिन जो अमेज़ोन में या इस तरह ये वेबसाइट जो है इसमें यूज़ होते हैं, तो वो थे तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद आता है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर और कस्टमर। और फिर होता है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बी टू बी। बी टू बी जो है वो ये टाइप है बिजनेस का, जब हम एक ब्रांड से चीज़ें लेकर और आगे उसको अपने स्टोर में रख कर सेल करते हैं। वो भी बिजनेस कर रहे हैं और आप भी बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों बिजनेस के पर्पस के लिए प्रोडक्ट बाय और सेल कर रहे हैं, तो ये हो गया बी टू बी। फिर आता है बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर और कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कस्टमर और कंज्यूमर का मतलब ये है कि आप एक चीज़ दुकानदार से बाय करते हैं, तो वो तो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आप तो बिज़नेस नहीं कर रहे, आप तो अपनी यूज़ के लिए वो चीज़ ख़रीद रहे। तो ये आपको हो गया, ये मॉडल जो है, ये टाइप जो है वो हो गया बी टू सी। मतलब एक स्टोर है, उसके पास एक कस्टमर आया और उसने एक चीज़ बाई की, तो इसका मतलब है कि ये कस्टमर है और वो दूसरा जो है वो बिज़नेस कर रहा है। तो एक तो बिज़नेस नहीं कर रहा, दूसरा बिज़नेस कर रहा है, तो ये हो गया बी टू सी। जब उससे बताता है कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर का मतलब ये है कि एक कस्टमर है, उसने एक मोबाइल फ़ोन लिया और उसको यूज़ किया, पसंद नहीं आया, या यूज़ किया फिर उसके बाद वो बेचना चाह रहे उसको। तो जब वो उसको बेचना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बिज़नेस तो नहीं कर रहा, लेकिन वो सिर्फ एक एक पीस जो है ये बेच रहा है। तो वो ओएलएक्स पर अपलोड कर ले उसकी पिक्चर्स वगैरह, वो उसको बेचे आगे, वो भी कस्टमर, ये भी कस्टमर है, दोनों कस्टमर आप इसमें डील कर रहे हैं। तो ये हो गया सी टू सी। उसके बाद आते हैं हम अमेज़ोन। अमेज़ोन क्या है? अमेज़ोन एक ऐसा, एक आप एक एग्ज़ाम्पल लेके, एक सदर बाज़ार है। इस सदर बाज़ार में आप के पास मुख्तलिफ दुकानें मिलती है, या एक इस तरह एक बड़ा जो है प्लाजा है, मार्केट है, उसमें आपको मुख्तलिफ शॉप्स मिलती है। तो अमेज़ोन भी इस तरह एक बहुत बड़ा जो है, अमेज़ोन एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जिसमें आपको सेलिंग जो अपना शॉप है वो ओपन कर सकते हैं और आप उस पर सेलिंग कर सकते हैं। तो अमेज़ोन आपको कहता है कि आप आइए और हमारे जो एक प्लाजा या बाज़ार है, मैं एक तरह एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ये, इसमें आप शॉप ओपन करें और आप इन्वेस्ट करें उस पर, और आप इस पर चीज़ें बेचें, वो चीज़ें बेचें जो हमारे वेबसाइट पर लोग आते हैं उनको चाहिए होती है,
ऐसी चीज़ें आप अपने स्टोर में रखिए ताकि अमेज़ोन से वो सेल हो और वो कस्टमर उसको देखे और वो उससे सेल करें, सॉरी बाय करें। तो यह आता है, अमेज़ोन इज़ एन अमेरिकन इन मल्टी नेशनल कंपनी विच फोकस ऑन ई कॉमर्स। अमेज़ोन एक ऐसी कंपनी है जो ई कॉमर्स के बेस पर काम करती है। अमेज़ोन इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट रिटेलर ऑनलाइन कंपनी है। अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा कि ये ट्रेंड पर है। अमेज़ोन बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, अमेज़ोन पर अर्निंग कर रहे। तो फ़िलहाल तो अमेज़ोन जो है वो आई थिंक नंबर वन पे है। उसके बाद आता है अमेज़ोन के बारे में, तो आप समझ गए होंगे कि अमेज़ोन क्या है। अमेज़ोन एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, उस पर आप सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग करने के लिए आपको जो है शॉप ओपन करनी होगी और बाइंग करने के लिए आप बस वेबसाइट पर विज़िट करें और कोई चीज़ ख़रीदें। उसके बाद आता है FBA एंड FBM मेथड। FBA और FBM मेथड का मतलब ये है कि आप FBA जो है वो अमेज़ोन, आपके शिपिंग जो है वो भी अमेज़ोन करेगा, पैकिंग भी अमेज़ोन करेगा, सब कुछ आपका अमेज़ोन करेगा। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। और इसके बाद आता है अमेज़ोन इज़ फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। तो FBA इज़ अमेज़ोन वेयर हाउसिंग एंड फुलफिलमेंट सर्विस दैट अलाउ सेलर टू सेंड इन्वेंट्री टू एन अमेज़ोन वेयर हाउस एंड हैव देयर ऑर्डर शिप बाय अमेज़ोन। तो अमेज़ोन कहता है कि आप हमारी इन्वेंट्री में चीज़ें रखें और हम उसको शिप करेंगे, हम उनको उसको पैक भी करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। तो ये हो गया, उसकी कुछ फीसिस होती है बस, वो आपसे अमेज़ोन लेता है। तो ये जो है ये FBA मेथड हो गया। FBA मेथड इसलिए हो गया क्योंकि सब कुछ आपका अमेज़ोन कर रहा है। उसके बाद आता है FBM मेथड, जो अमेज़ोन फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो गया। FBM इज़ अ फुलफिलमेंट मेथड इन विच द सेलर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री एंड शिपिंग ऑर्डर्स। इसका मतलब ये हो गया कि FBM में जो कस्टमर है वो खुद जो मतलब कि अमेज़ोन का जो सेलर है ना, आप अमेज़ोन कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, तो आप ख़ुद कह रहे हैं कि मैं FBM करना चाहता हूँ, मैं ख़ुद इसको पैक करूँगा, ख़ुद शिप करूँगा, मैं सब कुछ खुद ये मतलब ये प्रोडक्ट्स से मैं अपने पास ही रखूँगा, किसी और जगह नहीं रखूँगा। तो आप इसलिए उसको कह सकते हैं कि ये FBM मेथड हो गया, सही है। उसके बाद आता है, जब आप सब कुछ खुद करते हैं ना, तो ये हो गया FBM मेथड, मतलब कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आपने शिप भी खुद ही किया, अपने पास भी रखे और इसको पैक भी किया, तो ये आपका FBM मेथड हो गया। उसके बाद आता है बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अमेज़ोन, वॉलमार्ट, ईबे, अलीबाबा, दराज। ये पांच जो है फ़िलहाल ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। तो दराज पाकिस्तान में है और ये अमेज़ोन वगैरह ये जो है ये बाहर की कंपनी है, लेकिन ये बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है फ़िलहाल अमेज़ोन है। उसके बाद आते हैं अमेज़ोन में अकाउंट के टाइप्स आते हैं। तो अमेज़ोन में दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेलर अकाउंट, एक होता है बायर अकाउंट। सेलर अकाउंट वो होता है, सेलर अकाउंट एक अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये आपका सेलर अकाउंट जो है वो अमेज़ोन पर सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो सबर फ़िलहाल ऑन हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर आ जाए, एक बायर अकाउंट होता है। बायर अकाउंट ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अमेज़ोन पर ये अकाउंट जो है ये आपका बायर अकाउंट है। अब आप वेबसाइट अमेज़ोन की ऑन करेंगे और यहाँ पर आप कोई अकाउंट ऑन करेंगे जिससे आपसे सिर्फ नेम वगैरह यही कुछ चाहिए होता है, लेकिन जो सेलर अकाउंट है ये आपसे जो है फुल डिटेल लेता है, मतलब कि CNIC की डिटेल लेता है, आपसे बैंक अकाउंट लेता है, सब कुछ आपसे मांगता है। और इसी तरह हो गया बायर और सेलर अकाउंट। अभी आता है अमेज़ोन के सेलर अकाउंट के टाइप्स कितने हैं। इंडिविजुअल अकाउंट है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल है, और उसके बाद बिजनेस अकाउंट है। ये तीन टाइप्स के अकाउंट है अमेज़ोन पर सेलर अकाउंट के। तो एक होता है इंडिविजुअल, फिर दूसरा होता है इंडिविजुअल प्रोफेशनल, और फिर होता है बिजनेस। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो इतनी ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जितने भी हुआ इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में जो है सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।